Kids, हिंदी। एक कछुआ जीवन से निराश हो चुका था। हर दिन उसे कीचड़ और घास के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। काश मैं भी पंछियों की तरह उड़ पाता, काश मैं भी बादलों को छूता और वहाँ से धरती को देख सकता, उसने ऐसा सोचा। और फिर वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सभी पक्षियों से विनती करने लगा। क्या कोई मुझे बादलों की सैर कराएगा और ऊपर से ये दुनिया दिखाएगा? मेरा वादा है कि जो कोई भी मेरी इच्छा को पूरा करेगा, मैं उसे पृथ्वी में छिपे खजाने का पता बताऊंगा। तब एक विशाल बाज ने कछुए पर दया करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों से दुनिया दिखाऊंगा। और फिर वो कछुआ उस बाज के साथ पंछियों और बादलों के बीच से उड़ता हुआ सूरज तारों के बीच आकाश में नाचता जा पहुंचा। और जब कछुए की यह शानदार यात्रा खत्म हुई तो बाज ने उससे अपना वादा पूरा करने के लिए कहा, अब बताओ कछुए भाई, कहां छुपा है वो खजाना? इस पर कछुए ने जवाब दिया, माफ करना, मुझे खजाने का नहीं पता, मैंने तो बस उड़ने के लालच में ये अफवाह फैलाई थी। ये कहकर हंसता हुआ कछुआ वहां से चलता बना। बाज को कछुए पर बहुत गुस्सा आया और फिर वो मन में सोचने लगा, कोई मुझे धोखा देकर ऐसे निकल जाए, ये हो नहीं सकता। और फिर बाज ने कछुए को सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ हफ्ते बाद बाज ने कछुए के पास जाकर कहा, सुनो, सूरज और चंद्रमा साथ मिलकर एक महान घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसे ग्रहण कहते हैं, क्या तुम उसे नजदीक से देखना चाहोगे? लालची कछुआ तुरंत तैयार हो गया और फिर एक और मजेदार यात्रा पर जाने के लिए लपक कर बाज की पीठ पर जा बैठा। लेकिन इस बार बाज ने उसके लिए एक अलग ही योजना बनाई थी। वो पहले तो कछुए को आकाश की ऊंचाइयों तक ले गया और फिर उसने वहां से उसे छोड़ दिया। जमीन की ओर तेजी से गिरते हुए कछुए को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपना काम निकालने के लिए न केवल झूठ बोला था बल्कि बाज को सुनहरे भविष्य का लालच देकर उसे धोखा भी दिया था। एक बार एक लोमड़ी की पूंछ शिकारी के पंजे में फंस गई। लोमड़ी ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उसे अपनी पूंछ को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। रास्ते में लोमड़ी ने सोचा कि उसे बिना पूंछ के देखकर बाकी सब लोमड़ियां उसका मजाक उड़ाएंगी। पूंछ के बिना मैं सबके सामने कैसे जा सकती हूँ? वो सब मुझ पर हंसेंगे। समाज में अब कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो लोग भी अपनी पूंछ से नफरत करें। ये सोचकर कटी पूंछ की उस लोमड़ी ने सब लोमड़ियों को इकट्ठा कर एक सभा की। फिर उसने पूंछ की अनुपयोगिता पर भाषण दिया और कहा, हमें अपनी पूंछ से कोई फायदा नहीं है, हमें परेशान करने के अलावा ये और कोई काम नहीं करती है। मैं खुश हूँ जब से मेरी पूंछ कटी है। जब उस लोमड़ी ने पूंछ के बेकार होने और बाकी सबको भी अपनी पूंछ कटवाने की सलाह देते हुए अपनी बात खत्म की, तब एक दूसरी लोमड़ी मुस्कुराते हुए मंच पर आई। उसने पहले तो अपनी सुंदर पूंछ को गर्व से हवा में लहराया और फिर मुस्कुराते हुए सबसे कहा, दोस्तों, अगर मैं भी हमारी इस दोस्त की तरह अपनी पूंछ खो देती तो मुझे भी इसके छिन जाने का उतना ही दुख होता, लेकिन जब तक मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक मुझे तो अपनी पूंछ जान से प्यारी है। सभी लोमड़ियों ने उस लोमड़ी की धूर्तता को समझते हुए पूंछ के मुद्दे को तुरंत ही रद्द कर दिया। कटी पूंछ वाली लोमड़ी निराश होकर वहां से चली गई और फिर उसे अपने लोमड़ी समाज के बीच मजाक का विषय बनकर ही दिन गुजारने पड़े। Thank you.
एक समय की बात है, जुपिटर ग्रह पर एक ऊंट रहता था। ऊंट हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन उसने जुपिटर ग्रह से शिकायत की। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं भी यहाँ आदर और सम्मान का हकदार बन सकूं। बैल के पास सींग है, हाथी वरा के पास दांत है, बाघ और शेर के पास नुकीले पंजे हैं जो उन्हें शक्तिशाली और आदरणीय बनाते हैं, और एक मैं हूँ जिसे हमेशा ही दूसरों से अपमान झेलना पड़ता है, ऊंट ने रोते हुए कहा। इस पर जुपिटर ग्रह ने क्रोधित होते हुए जवाब दिया, अरे एहसान फरामोश ऊंट, शिकायत करने के बजाय अगर तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें पता चलता कि तुम दूसरे जानवरों से कितना ज्यादा संपन्न हो। तुम्हारे पैर सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त हैं। तुम्हारा कुबड़ कई दिनों तक भोजन जमा कर रख सकता है और तुम्हारे शरीर पर भी सर्दी या गर्मी का कोई असर नहीं पड़ सकता। उसके अलावा कोई चाकर भी तुम्हारे कद की बराबरी नहीं कर सकता। कितने दुख की बात है कि तुम अपने इन अद्भुत गुणों की प्रशंसा करने के बजाय हमेशा शिकायत करते रहते हो। इसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कानों को छोटा करता हूँ। ऊंट को जुपिटर ग्रह की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हुआ। अपना सिर शर्म से झुकाते हुए उसने ये वादा किया कि अब वो हमेशा अपने गुणों के इस खजाने का उपयोग दूसरों की भलाई में करेगा। एक बार सैम और पीटर नाम के दो दोस्त एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते हुए रास्ते में उन्हें एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। देखो पीटर, सैम ने कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी मिली है। पीटर ने सैम की बात पर हैरान होते हुए कहा, मुझे नहीं, कहो हमें कुल्हाड़ी मिली है। दोस्त होने के नाते हमें इसे बांटना चाहिए। लेकिन सैम ने इनकार कर दिया, मैंने इसे पहले देखा है, इसीलिए ये मेरी हुई। वो आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें पीछे से भाग कर आते हुए कुल्हाड़ी के मालिक की क्रोध भरी आवाज सुनाई दी। मेरी कुल्हाड़ी को चुराने की हिम्मत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओह, हम तो फंस गए, कुल्हाड़ी पकड़े हुए सैम ने कहा। पीटर ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत जवाब दिया, हम नहीं दोस्त, कहो मैं फंसा। अगर तुम कुल्हाड़ी को मेरे साथ बांटने से मना कर सकते हो तो फिर अब मैं क्यों उस गुस्सेल आदमी से पिटने से बचाने में तुम्हारी मदद करूं? सैम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वो अपनी हर चीज का बंटवारा पीटर से करेगा, और फिर उन दोनों ने माफी मांगते हुए वो कुल्हाड़ी उसके मालिक को लौटा दी। एक बार की बात है, एक राजकुमार ने कुछ बंदरों को नाच सिखाने का इंतजाम किया। अपने स्वभाव से नकलची इन बंदरों ने बड़ी मेहनत और लगन से नाचना सीख लिया, और फिर महल के दूसरे कलाकारों की तरह इन्होंने भी तरह तरह की पोशाकें और मुखौटे पहनकर दरबार में अपने बेहतरीन नृत्य का प्रदर्शन किया। बंदरों का ये नाच बहुत मशहूर हो गया और दूर दूर से लोग आकर ये नाच देखने लगे। बंदरों के शानदार नाच की तारीफ में पूरा महल तालियों से गूंज उठता। महल का एक दरबारी बंदरों की इस प्रशंसा से मन ही मन जलता था, और इसके लिए उसने एक चाल चली। फिर एक दिन जब दरबार में बंदरों का नाच चल रहा था तो उस दरबारी ने मुट्ठी भर काजू बादाम मंच पर फेंक दिए। मंच पर पड़े मेवों को देखते ही सभी बंदरों ने नाचना बंद कर दिया और अपना असली स्वभाव दिखाते हुए पोशाक और मुखौटे उतार कर फेंक दिए, और फिर सब के सब मेवों के लिए छीना झपटी करने लगे। बंदरों की इस हरकत को देखकर दरबार में आए सभी लोग उन पर हंसते हुए वहां से चले गए। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की नकल करके या उसका मुखौटा लगाकर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता और ना ही उसकी तरह व्यवहार कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग हमेशा वैसा नहीं करते जैसा कि वो दिखाई देते हैं। इसलिए हमें अपनी राय किसी के रूप को देखकर नहीं बल्कि उसके व्यवहार को देखकर बनानी चाहिए।